السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جتنے بھی لوگ باہر ہیں تشریف لا چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں اور حضرت کو بھی آرام کرنا ہے. 12:30 بجے تک حضرت کی بات ہوگی، ہم شور سے دیکھ پایا تو اس لیے جتنے بھی ساتھی باہر ہیں پارکنگ کے لیے کھڑے ہیں ان سے حضرت گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، دعوت کا عظیم کام یہ انسان کی اندرونی طاقت سے، اندرونی کیفیت سے، اندرونی فکر اور جذبے سے چلتا ہے. اس کام کو چلنے کے لیے، چلانے کے لیے درد چاہیے. بے درد انسان نہ اس کام میں چل سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے. بے درد سب کے لیے درد کا سبب بن جائے گا. جو بے درد ہوگا وہ سب کو درد پہنچائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام یہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ چلاتے ہیں جن صفات کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کام کرتے تھے. اسی لیے ہمارے کام کو نبیوں کا کام، نبیوں کا کام، نبیوں کا کام کہا جاتا ہے. ہزاروں مرتبہ ہم لوگ یہی بات سنتے رہتے ہیں، ہمارا کام نبیوں کا کام ہے اور نبی کی اصلاح براہ راست اللہ کرتا تھا، ان کی باتوں کی اصلاح، ان کے سوچ کی اصلاح، ان کے جذبات کی اصلاح. اسی لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے. انبیاء معصوم ہیں، یعنی اللہ کے طرف سے گناہوں سے بچائے ہوئے. جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا ان کو معصوم کہا جاتا ہے. معصوم کے معنی کیا ہیں؟ جن کو اللہ نے گناہ سے بچا لیا. گناہ، غلطی،
अगर भूल से हो भी जाती फौरन अल्लाह ताला उसकी इस्लाह कर देता। हम तो मासूम तो हैं नहीं कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से बार बार बचाया जाए, इसीलिए हम लोगों को इस्तिग़फ़ार का हुक्म है, इसीलिए हम लोगों को रोज़ाना इस्तिग़फ़ार का हुक्म इसलिए है कि हमसे अगर गलती हो जाए तो फौरन तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। और जो लोग बार बार तौबा करते हैं वही लोग इस काम में इस्तकामत के साथ चलेंगे। हजरत मौलाना सैयद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो इस्तिग़फ़ार वाले होते हैं वही इस काम की जान होते हैं। इतना बड़ा काम जो चल रहा है वो किनकी बरकत से चल रहा है? भाई ये जो नाश्ता करने के बाद जन्नती सुकून जो जिन जिन को नसीब होती है, तो सब मुराकबे में है। और मेरी एक कमज़ोरी है, मुराकबे वालों के सामने बयान नहीं कर सकता, मुराकबे वालों के सामने ज़िक्र होता है। और यहाँ हम अगर कोई बेचारे मुराकबा करें तो आजू बाजू वाले उनकी फ़िक्र करें, उनसे कहें भाई अभी आसमान पर जाने का वक्त नहीं आया, अभी थोड़ी देर ज़मीन पर रहें। ज़मीन वालों की फ़िक्र करें, इरहमु मन फिल अर्ध। फिर शाम को ईशा के बाद इरहमुकु मन फिस समा, आसमान वाला हम पर रहम करेगा और हम थोड़ी देर सो जाएं, ठीक है भाई। और अभी थोड़ी देर काम की बात है तो तवज्जो से सुने और काम की नियत करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमारी गलतियों को मिटाने के लिए अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार अता किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नी अस्तग़फिरु फ़िल यौमि 70 मर्रा, अपने परवरदिगार से तौबा करते रहो करते रहो करते रहो, सुबह शाम ही नहीं हमेशा। और मैं मेरे रब से रोज़ाना 70 बार तौबा करता हूँ, मासूम होने के बावजूद। खाली अस्तग़फिरुल्लाह ये तौबा नहीं, ये इस्तग़फ़ार है। तवज्जो के साथ कहना आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्यों? काम में जो बिगाड़ है वो गलतियों की वजह से है। काम में जो बिगाड़ है वो तो किसकी वजह से है वे बोलो? साथियों में इख्तलाफ, साथियों में इंतशार, मोहब्बत का ना होना। पहले पहला ज़माना ऐसा था हर साथी एक बदन की तरह होता था, एक बदन, एक जुबान, एक नज़र, एक फिक्र। और ये इत्तेहाद है, इसी इत्तेहाद पर अल्लाह की मदद करेगी। यदुल्लाहि फौका अयदीकुम, जिस वक्त दिल जुड़ जाते हैं अल्लाह के तरफ से मददें और नुसरतें उतरती हैं। इत्तेहाद, और वो इत्तेहाद असल ज़रूरी है। इतना बड़ा काम इज्तिमा हमारे यहाँ होने वाला है, और इतना बड़ा काम कोई मामूली काम नहीं है कि अल्लाह ताला इस काम को परवान चढ़ाएं, इस काम को अल्लाह मंजिल तक पहुँचाएं, अल्लाह ताला इस काम की हिफाजत फरमाएं, हर शेष जहद से अल्लाह आने वाले मजमे के तहफ्फुज का सामान मुहैया करें। कोई मामूली बात नहीं, हजारों लोग सड़कों पर सफर करके आएंगे, सड़क के हवादिसात से बचना बचाना
एक तो ये है कि कोई और आकर हमें मारे, ये कि हम जाकर किसी को मारे, दोनों भी ना हो। अमन के साथ बड़ा मजमा आए, अमन के साथ बड़ा मजमा लौटे। यहां आने के बाद भाई घर में अगर थोड़ी देर के लिए पानी बंद हो जाए कितनी तकलीफ होती है। सब कुछ है, पानी ना हो तो वो जंगल बन जाता है मंगल होने के बावजूद। इसी तरह इस्तेमाल में थोड़ी देर पानी का सिस्टम का, करंट का सिस्टम, कोई मामूली बात है भाई। मौसम का सिस्टम, किसका सिस्टम, हम तो वाटरप्रूफ पिंडा तो नहीं डालते, वाटरप्रूफ डालते क्या इस्तेमाल में, क्या डालते हैं, सादा सीधा डालती हूँ अल्लाह अल्लाह बोलकर। और उस पिंडा में अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह इतना धूप भी ना दे कोई बैठ ना सके, इतनी सर्दी भी ना दे कोई रह ना सके, इतनी बारिश भी ना बरसा कि कोई टिक ना सके। इस्तेमा जो होता है उसके पीछे कौन कौन रो रहा है हमें नहीं पता। हम लोग इस्तेमा हो रहा है, इस्तेमा आप यहां इस्तेमा कर रहे हैं, आंसू बिल्लों में बहाए जा रहे हैं। आप इस्तेमा यहां कर रहे हैं, आंसू इलाकों में, अकाबरीन के मकानात में, घरों में बहाए जा रहे हैं। हर हर इस्तेमा के लिए कितनी दुआएं हो रही हैं हमें क्या पता। हमको भाई हमारा इस्तेमा कामयाब हो गया, कामयाब के पीछे कितनी दुआएं गई आपको क्या पता है भाई। वो सब पोस्ट में लगाने की चीज थोड़ी होती है। हजरत मौलाना सैयद अहमद खान साहब अली फरमा करते थे, हमारा जो काम है ये मुखलिसीन से चलता है। और मुखलिसीन कौन है, अल-मुखलिसून हुमुल मुस्तगफिरून, इखलास वाले इस्तगफार वाले होते हैं। काम करते हैं अल्लाह से माफी मांगते हैं, काम करते हैं अल्लाह से माफी मांगते हैं, काम करते हैं अल्लाह से माफी मांगते हैं। इतना है तकब्बुर, अनानियत जरा बराबर भी उनके अंदर नहीं पाई जाती। मैं वाला जुमला दूर दूर तक भी नहीं तलाश करना, कहां है तुमर, है तुमर कहां, तुम्हें झाड़ के नीचे ही क्या देखो, तलाश करना। अरे भाई जिम्मेदार मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, मिट्टी के साथ कहाँ है भाई, हुजूर कहाँ है, वो जो ईंट लेकर जाते सबके साथ जी वही हुजूर है। हमारे पास इस तरीके से जमात बंदी नहीं है, ये खिदमत करे ये खिदमत ना करे, सब मिलकर करे, जो जो जैसा जैसा जिस जिस उम्र में शरीक हो सकते हैं हम लोग वो लोग ना बने। क्या ना बने, अरे बोलो मालिक, बोलो मालिक क्या काम करना, नौकर, दूसरी एक जमात नौकर बन गई और एक जमात मालिक बन गए, खाली आर्डर दे लोगो फिर दी, क्या देने फिर दी, ऑर्डर देने वाली एक जमात, खिदमत करने वाली एक जमात। हमारे यहाँ इस तरीके से दो बंदी नहीं है। तू बराए वस्ल करदन आमदी, ना बराए फसल करदन आमदी, तू सबके साथ जुड़कर चलने के लिए आया, तू सबके साथ कटने के, सबसे कटने के लिए नहीं आया। यह सादगी। जनाब अहमद खुरैशी साहब चिकमंगलूर वाले, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जा दोनों पैर कट गए। मौलाना ने पूछा जी अहमद कांजी इस्तेमा क्या में हूं, मौलाना तुम्हारा क्या जी काम, हां दोनों पैर नहीं है तुम्हारा वहां क्या काम है, नहीं मौलाना काम कर ले सबके साथ, हुजूर के बावजूद इलाके का फ़ाल जिम्मेदार साथी इज्तिमा में काम कर रहा है पड़ाव डालकर। हमारे ऊपर ऐसी मेहनत हम करें अल्लाह को हमारे हाल पर राम मान जाए। अरे भाई क्या हालत बना रखा है इसने, इसे कपड़े देखो,
नाश्ता करे नहीं, दोपहर का नहीं, क्या चीज नहीं, काम बगैर रोजे की हालत, ये जो हालत अल्लाह हुरूब आफताब के वक्त देख रहा है, इसी हाल पर इज्तिमा कामयाब होगा। ये चमकने का काम नहीं है हमारा, क्या करने का काम, मेकअप करने का काम, क्या क्यों भाई मेकअप करने का काम में, मेकअप नहीं, दाई वो होता है जिसको अपना खुद ख्याल नहीं होता, दाई को अपना खुद ख्याल नहीं होता। जैसे बेटे की शादी है, बाप कैसे सरगर्दा हो जाता है, इधर उधर जा रहा उधर जा रहा, जी जरा दूध पी लो जी, नहीं बाद में पी लो, जी जरा पानी पियो, नहीं बाद में पी लो, पानी पीने में टाइम नहीं। इस तरह अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाला दिन करीब आ रहा है, वो जोड़ने से पहले ये सब के सब जो मैदानों में जो भी काम हमारे जिम्मे आएगा, वो काम क्या है, वो काम सब के सब ये तसव्वुर के साथ करें कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये सब के सब इसलिए ताकि जितने अल्लाह के बंदे यहां आए वो सब के सब अल्लाह वाले बनकर जाए। सब नियत करेंगे भी इंशाल्लाह, हमारे उन जज्बात के साथ पानी पिलाना, हमारे उन जज्बात के साथ वजू खाना बनाना, हमारे उन जज्बात के साथ पिंडाल लगाना, हमारे उन जज्बात के साथ फर्श बिछाना, हमारे उन जज्बात के साथ माइक लगाना, हमारे उन जज्बात के साथ तमाम इलेक्ट्रिक काम करना, हमारे उन जज्बात के साथ मैदान की सफाई करना। क्या था मक्का, क्या था मक्का, क्या था जंगल था। अरे मक्का जो है वो क्या था, जंगल था, वादी गैर जी जरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोटी सी चार दीवारी। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम छोड़कर जाने का हुक्म उनको मिला, उस वक्त उनको खुद रहा नहीं गया, या अल्लाह जो भी हो ये मेरी बीवी है, चले ये मेरा बच्चा है, बहुत दुआओं के बाद तूने दिया, और उस बच्चे को और बच्चे देने वाली माँ जो जिसने मुझे बाप बनाया, उन दोनों को छोड़कर जाने को कह रहा है। रब अल्लाह से दुआ की, इन्नी अस्कंतु ज़ुर्रियति, या अल्लाह मेरे आगे आने वाली नस्लों की कबूलियत के लिए इनकी कुर्बानी दे रहा हूं, इनकी कुर्बानी को तो कबूल कर। हजरत नबी अलैहि सलातो व सलाम की पैदाइश जहां खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआ की, उसी जगह पर हुजूर पैदा हो गए। इमामों ने बात की, इसीलिए मैं कहा करता हूं दावत को सीरत से समझो, तारीख से समझो, क्या काम अल्लाह ने हमें अदा किया। हम लोग गिलबोड़ों से समझकर आज भी गिलबोड़ा जिस हो, जो लोग गिलबोड़ से काम सीखता है उन्हें जिंदगी भर क्या रहता है, क्यों भाई गिलबोड़ रहेगा। जिसका मुअल्लिम खुद नादान हो उसका मुतअल्लिम जिंदगी भर नादान, वो दाना थोड़ी बनेगा। हमारा काम इतना अजीम काम, जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गश्त हुआ, 17 साल का गश्त, कितने साल हमें लोग 4 महीने लगा को बड़े तुरुम खां समझती, बड़े तुरुम खां क्या लगा को, क्या लगा को, वो भी क्या जिम्मेदार, क्या जरा सूरत दिखाओ क्या जिम्मेदार,
जिम्मेदार किसे बोलते हैं? जिम्मेदार उसे कहते हैं जिसके पास दो कब्रस्तान होते हैं। क्या होते हैं बोलो? अरे बोलो क्या होते हैं? क्या होते हैं जिम्मेदार के पास से? हिंग क्या दो कब्रस्तान ना? अरे ही क्या, नियत करो इंशाल्लाह बना लेंगे। फौरन तुम ये सोचो कहा कब्रस्तान जाओ खरीदने, पैसे लेना हमारे पास से। कब्रस्तान नहीं, क्या है कब्रस्तान? दो कब्रस्तान होते जिम्मे, ये ख्वाहिशात को दफन करने वाला कब्रस्तान। मेरी जिंदगी भर की ख्वाहिशात का दफन करूंगा, ख्वाहिशात को पूरा करने वाला जिम्मेदार नहीं होता, लिख कर रख लो। ख्वाहिशात को पूरा करने वाला क्या नहीं होता? ख्वाहिशात को दफन करने वाला जिम्मेदार होता है। मुझे ये ख्वाहिश, लेकिन मैं ये ख्वाहिश पूरा करने, भाई जैसे मैं हमेशा कहता हूं घड़ी, ये घड़ी मिसाल के तौर पर 200 रुपए की है, 100 रुपए की है, और एक घड़ी है माशाल्लाह 20,000, 30,000, 80,000, 1,25,000। एक साथ कहने लगे ये घड़ी 1,80,000 रुपये मौलाना घड़ी कि 1,80,000 हो या 200 रुपये हो, टाइम अलग अलग बताती क्या? हाँ अलग अलग बताती क्या? तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम? मेरे घड़ी में 12:25 है, तुम्हारी घड़ी में हाँ 12:25 है, क्या फर्क है? तुम्हारी घड़ी में क्या डेट है? मेरे घड़ी में ये डेट है, तुम्हारी घड़ी में मेरे घड़ी में वो डेट है, फिर क्या है फर्क? फर्क क्या? मैं 200 रुपये घड़ी बांधा हुआ हूँ और आप 2 करोड़ की, 2 लाख की, 2 लाख की घड़ी समझो, फर्क क्या है? बस यहां जरूरत है और वहां ख्वाहिश है। यहां क्या है? जरूरत और वहां, और आपने आप अगर ख्वाहिशात को पूरा करने पर लग गए कभी भी दावत का काम नहीं कर सकते। ख्वाहिशातों के पैसे दावत में लगाओ, यह है दाई। मैं बताया परसों भाई, दावत दाई वो है जिसका घर भी दावत का नमूना हो, जिसकी शादी दावत का नमूना हो, जिसकी जिंदगी दावत का नमूना हो, जिसका लिबास दावत का नमूना हो, जिसका चलना फिरना दावत का नमूना हो, और जिसकी खलवत जलवा दावत का नमूना हो, जिसकी सफर और हजर दावत का नमूना हो, जिसकी सवारी और तमाम तरह के अशिया दावत के नमूना हो, उसे कहते हैं दाई। उसे कहते हैं दाई जिसकी हर चीज दाई बन जाए। लिबास कैसा पहनना, दाई को देखकर कैसा लिबास पहनना, कौन सा रंग का लिबास पहनना, कौन से कलर का लिबास पहनना, दाई को देखकर सबक सीखना। अमीर साहब जी तुम्हें पीला ड्रेस पहन पहना जी, हमें भी पीला ड्रेस आप पहन लेती हैं, सो मंदिर को जाने वालों की सजा दिखती लूस क्या जी तुम्हें, यह ड्रेस कलर का ड्रेस है पहन लेगा। अमीर साहब जी तुम्हें आपको लाल ड्रेस पहन पहना, मिर्जा जी हमें भी लाल ड्रेस आप पहन लेते हो, लाल ड्रेस की जमात। जमात क्या भी हो, लाल ड्रेस की जमात हो। अरे मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग सीखना किससे, इसलिए कि जो जिंदगी का पहला अमीर होता है वो उसका जिंदगी भर का मालिम होता है। बोलते नहीं बोलते, अरे भाई ये इनसे मैंने काम सीखा, इनसे मैंने काम सीखा, वो बेचारा उन्हीं से मशवरा करता है, उसे क्या मालूम इन्हें खुद ऑलरेडी नीम हकी, क्या बोलो, अरे बोलो कौन सा हकीम? नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अल्लाह हम सब की हिफाजत सुन, तौबा करेंगे इंशाल्लाह। तो कितने कब्रस्तान रखना हमें? एक कब्रस्तान किसके लिए? पूरे ख्वाहिशात। एक साहब कहने लगे ये टोपी 800 रुपए की टोपी, साहब नहीं ये 1,500 की टोपी। मैंने कहा ये टोपी 40 रुपए की, वो भी रिटेल होलसेल लिए तो 30 पर 2 रुपए की टोपी,
टोपी में क्या देखा है इसे, सवा हजार की टोपी पिंदल टोपी हो, क्यों 40 रुपए की टोपी टोपी नहीं क्या? अरे भी समझ रहे नहीं समझे? अब ख्वाहिशात अगर दफन हो जाए, जरूरियात हमारी पूरे होकर इतना पैसा बचेगा, हर एक नहीं 10-10 पैरों का सफर कर सकता है, एक नहीं सफर पर सफर, सफर पर सफर, सफर पर सफर। क्यों? इसलिए कि भाई हम ख्वाहिशात वाले नहीं। कौन से वाले? कौन से वाले? जरूरियात वाले, ख्वाहिशात वाले नहीं। एक कब्रिस्तान हमारा, दूसरा कब्रिस्तान कौन सा? अल्लाह अकबर, अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ में आ जाए। दूसरा कब्रिस्तान वो जिस कब्रिस्तान में हम लोग अपने दिल के भड़ास दफन कर लें। कौन सा भड़ास? अरे बोलो कौन सा भड़ास? दिल के अंदर की तमाम गलाजतें, तमाम कदूरतें, तमाम जितने यहाँ पर कचरे पड़े हुए हैं, कचरे वो सब दफन करने के वास्ते कब्रिस्तान। दाई का दिल दरिया होता है। अब दाई का दिल जब दरिया होगा तो दरिया में जो भी जाए पाक हो जाएगा। ये दो कब्रिस्तान। अगर ये काम हमारा दिल पाक, फजूल खर्ची से साफ जिंदगी अगर गुजारने वाले बन जाए, इस जमात में हम लोगों को किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमसे खुद जरूरियात पूरा करेगा। तो इंशाल्लाह जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा हम इतना जान और माल की खिदमत करेंगे कि अल्लाह में बोलने की जरूरत नहीं। सादत समझे, मैंने परसों पानी वालों में बयान करते हुए कहा, ये नियत करो हर पानी वाला, या अल्लाह मैं 500 पानी वाल पानी का 500 जितने हमारे तेरे मेहमान आएंगे, अल्लाह के मेहमान तो हैं वो, 500 तेरे मेहमान का वजू का निजाम करूंगा, 100 का करूंगा, 500 का करूंगा, 1000 का करूंगा। बोलो भी काम आसान होगा मुश्किल होगा? मेवात में आज भी जून नहीं लगते खाने के, एक एक आदमी नियत कर लेता मैं 1000 मेहमानों को खिलाऊंगा। कितने मेहमान? उसका 1000 का टेंट लगा हुआ रहता है, वो पुश बढ़ाता रहेगा, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोटियों का ढेर लगा हुआ है और इधर खा रहे हैं। आप पूछो ये कौन से हल्के का जून? हल्के का नहीं, हल्के का नहीं, एक इंसान का जुल्म, इनका जुल्म ये, एक आदमी का जुल्म हो इसका जुल्म, ये एक आदमी का जुल्म, एक इंसान का जुल्म। अल्लाह करे कि हमें वो जज्बा अल्लाह ता फरमाए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, काम इंतजामी उमूर में ये सबसे अहम काम क्या, हम सब मिलकर बोझ उठाने वाले बने और सब कामों में आपस में मुआविन बने, एक दूसरे का साथ दे। अब जहाज पर जा रहे हैं, पाइप वालों का पाइप पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक वाले जा रहे हैं, जाते हुए वो पाइप अगर उस पर गाड़ी चढ़ाओगे वो पाइप टूट जाएगा। हम लोग चढ़ा दे जाए, चढ़ाओ जी, अब चढ़ा ले को चलेंगे, पाइप वालों को नुकसान हुआ कि नहीं? अब बेचारे पाइप वाले दौड़ते, अरे भाई क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया, गाड़ी ले जाना था। अरे भाई वही काम, दो पत्थर रखकर ऊपर या दो तख्ता रखकर गाड़ी ऊपर चढ़ाते, पाइप कोई डैमेज ना होता, पाइप वालों को साथ देना भी हो जाता। आपने उन आपका काम को तो आपका काम समझा और पानी वालों का काम को आपका काम नहीं समझा। क्या एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी जुबान से अपनी हरकतों से किसी को तकलीफ ना दे, वो है मोमिन। और आपने तकलीफ दी, एक तरफ फायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हो लेकिन तकलीफ देते हुए फायदा पहुंचाने जा रहे हो, तो क्या हुआ? जो फायदा पहुंचाने के लिए जाने पर जो सवाब मिलता वो पूरा सवाब तकलीफ देने की वजह से निकल गया।
तो नुकसान हुआ नफा हुआ, दूध पिलाने जा रही ठीक है, सुराखा डालने को जा रही पैकेट में, वहाँ जाकर देखे तो दूध देने के लिए खाली पैकेट है, क्यों? सुराख में पूरा दूध क्या हो गया निकल। इस तरह हमारे इस इंतजामी उमूर में जो भी हमारे हक में काम आए और या जो भी आप हजरत के जिम्मे दिया गया है तो उस मशूरे से जो तय हो जाए कहो हम सादर समझकर इंशाल्लाह बोलकर तैयार होंगे। तैयार होंगे भाई, कौन कौन तैयार होंगे मशूरे के ताबे होकर? नहीं हम लोग माशाल्लाह, हम लोग इसके लिए आए थे, हम ये सोचकर आए थे, हमारे यहाँ ये मशूरा हुआ। देखो भाई दो बातें सुनो, ये कहे हम मशूरा करके हम आना, ये कि आने के बाद मशूरे के ताबे हो जाना, देखिए मशूरा करके हम आना, आने के बाद मशूरे के ताबे हो जाना। आप जो मशूरा करके आए उसे कहते हैं तजवीज, और यहां जो आपके जिम्मे दिया जा रहा है उसे कहते हैं फैसला, और जो फैसला होता है उसमें अल्लाह की तरफ से मददें होती हैं। तजवीज को फैसले का दर्जा ना दो, क्या ना दो बोलो, तजवीज को फैसले का दर्जा ना दो। तजवीज हो तुम्हारी राय, बहुत अच्छी राय है, लेकिन उस राय के मुताबिक फैसला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुआ यूं समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर मेरे लिए खैर है। और एक बात याद रखो, ये ज्यादा सवाब ये कम सवाब, सबसे ज्यादा सवाब बैतुल खला वालों को, किसे? पूरे इंतजाम में सबसे ज्यादा सवाब किसे? अरे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई, अगर सबके जिम्मे बैतुल खला आ जाए, तैयार ही नहीं है इंशाल्लाह ढीला होगा ना। अरे आज तैयार है नहीं है भाई, क्यों? इसलिए कि ये बंदा को किसी इंसान की तकलीफ को दूर कर दिया, उसका सवाब कितना है वो कौन जानता है? अनलिमिटेड हो। इन्ना अल्लाह फी औनि अल-अब्द मा काना अल-अब्द फी औनि अखी, अल्लाह मुसलसल उस बंदे की मदद में रहता है जब तक के वो बंदा बंदे के मदद में रहता है। कोई मामूली चीज नहीं, आपकी तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी खाली क्या भी पेशाब आ रहा, वहां जाओ भी पेशाब आ रहा, वहां जाओ पेशाब, रोक सकते हैं क्या एक मिनट? एक उम्र तक रोकने की उम्र एक रहती है, चलते चलते कमजोरी आते आते पेशाब रोकना इतना मामूली बात है? बहुत सारे बेचारे उम्र रसीदा लोग, अब हमें लोग पेशाब को खड़े, नौजवान बच्चे उन्हें भी अरे हमें जाती क्यों में खड़े, बुजुर्ग आए तो पहले उनको भेजो, किसे भेजो? अब हम लोग क्या समझते हैं, हम जिनको जानते हैं वो लोग इंसाना, हम जिनको नहीं जानते वो लोग बकरे, उनको सलाम करना भी जरूरी नहीं, महाराज हमारा सलाम अस्सलाम वालेकुम कह दो, ये सलाम यूं ज़िगज़ैग में जा को यूं जाको घुसता सो सलाम वो, क्यों? इन्हों सब इंसान दिखते नहीं तुम ना, इन्हों सब इंसान ना भी जानने, एक बात सुनो, जानने वालों का इकराम करने में रिया है, तवज्जो, ना जानने वालों का इकराम करने में इखलास है, और जितना तुझे ना जानने वालों की इकराम करने पर सवाब मिलेगा जानने वालों की इकराम करने पर नहीं मिलेगा। क्यों? यहां तू चौथे नंबर का सही इंसान और वहां चौथे नंबर पर एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? क्यों जानता हजरत बोलते हैं, इनको नहीं जानता, उनको कैरेज कर रही नहीं, कौन किया जना आया तो क्या गया तो क्या, वो इनके हजरत इमाम साहब आइए, उसके मुकाबले में एक मदरसे के शेख ने भी सारी उनको कह रहे थे खड़ो जी पीछे खड़ो जी, उनके शायद हजरत आप नहीं, इनको बेटे भी हमें मैं जानने के बाद जानते हजरत, क्यों? उनको आप नहीं जानते। इस तरह एक बात मौलाना उबैदुल्लाह साहब हम तक हमेशा याद आती है, फरमा लेंगे जो लोग अल्लाह के लिए काम करते हैं उनको अल्लाह जानता है, कौन जानता है? अल्लाह जानता है। जो
हमारे अमीर साहब को पता चल जाए, हमारे जिम्मेदार को मालूम हो जाए, हमारा फलाह को मालूम हो जाए, मेरी तारीफ सबके साथ, उनके लिए जो काम करता है वो तो उनको जानता है लेकिन उनको कौन नहीं जानता। हशर के मैदान में एक बड़ी जमात ऐसी आएगी दीन का काम करने वालों की जो जिंदगी भर काम किए लेकिन कौन नहीं जानता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक जमात ऐसी आएगी जिनको लोग जानते ही नहीं थे कि ये भी दावत का काम करने वाला था, ये भी मेहनत करने वाला, ये भी कोशिश करने वाला, लेकिन कोई नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है। सब करेंगे भी इंशाल्लाह। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आज जाना, नीयत करो, इरादे करो, इंशाल्लाह जो तकाजा आएगा सआदत समझकर इंशाल्लाह हम तैयार होंगे और आपकी इखलास का असर पूरे इज्तिमा पर पड़ेगा। सब करेंगे भी इंशाल्लाह। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बैठे रहें, अभी कार्रवाई शुरू हो। आइए क्या है, कार्रवाई शुरू करो।